पिछले वीडियो में आपको बताया था पदार्थ का गुण। आज हम बताया था पदार्थ आपके किसे कहते हैं, उसके बाद पदार्थ की अवस्थाओं का डिस्कशन किया था और हमने बताया था ठोस अवस्थाओं से, फिर हमने ठोस अवस्थाओं का वर्णन समझाया था आपको और ठोस अवस्थाओं में बताया था ठोस अवस्थाएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, कृष्टीय और अकृष्टीय। हमने शायद कल आपको कृष्टीय ठोसों का वर्गीकरण तक कंप्लीट किया, मैं हमें इसका वर्गीकरण बात कर रहे थे, कृष्टीय ठोसों का वर्गीकरण। कृष्टीय ठोसों का वर्गीकरण हमने आपको चार प्रकार से बताया था, तो उसमें नंबर फर्स्ट आपको बताया था सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस। इस सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं, क्या होता है सहसंयोजक ठोस? अभी हमने बताया था कि अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर या अवयवी कणों के मध्य लगने वाले बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं। तो हम अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर सबसे पहले आपको बताते हैं सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, अभी हमने ठोस क्या बताया था, ऐसे पदार्थ जिनके अवयवी कण आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे ये देखिए सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं कि ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण, क्या ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण परमाणु हो, क्या हो परमाणु हो, जैसे कि ये सभी जो हमारे कण दिख रहे हैं, जो गोले दिख रहे हैं, ये हमारे अवयवी कण हैं और ये सभी जो कण हो हमारे क्या हो, हमारे परमाणु हो, यानी ऐसा ठोस जो परमाणुओं से मिलकर बना हो, जबकि उन परमाणुओं के मध्य का मतलब यहां ये आपस में परमाणु जुड़े हुए होते हैं, इन परमाणुओं के मध्य लगने वाला बल कौन सा हो आपका सहसंयोजक बल हो, सहसंयोजक बल हो। तो इस प्रकार के बने ठोस को सहसंयोजक ठोस कहते हैं। उन्हें द्वारा से ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण हमारे परमाणु हो, जबकि इन परमाणुओं के मध्य लगने वाला बल सहसंयोजक बल हो या सहसंयोजक बंध हो। इस प्रकार के बने ठोस को सहसंयोजक ठोस कहते हैं। ठीक, सेकंड अभी हमने बताया था आपको आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। अब आयनिक ठोस किसे कहते हैं, देखिए नाम से जाएगा आयनिक्स यानी आयनों से, और अभी हमने आपने पढ़े होंगे आयन हमारे दो प्रकार के होते हैं, आयन हमारे दो होते हैं कौन कौन से, एक तो धनायन और दूसरा आपका ऋणायन। आयन कितने होते हैं हमारे दो, एक धनायन और दूसरा आपका ऋणायन, यानी कि ऐसा ठोस, चलिए पर चित्र बनाते इसके, कि ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण आयन हो, जैसे हमने अवयवी कण बेटा ये बनाई थी, अब क्या हो ये हमारे आयन, आयन हमारे होते हैं दो, धनायन और ऋणायन। ठीक, ये हमारा जो ठोस है इसमें अवयवी कण कौन से होते हैं आयन, जैसे पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस तरीके से आपका ये हम ठोस बनाते हैं। ठीक है, तो हमने भी बताया था ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण तो आयन हो, ठीक, जबकि इन आयनिक आयनों के मध्य, इन आयनों के मध्य मतलब यहां ये जुड़े हुए हैं, ये अवयवी कण जैसे यहां से जुड़ रहा है, इधर जुड़ रहा है, इधर जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है। ठीक, तो अवयवी कण जहां ये जुड़े होते हैं, इन अवयवी कणों के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल कौन सा बल हो आपका
आयनिक बल हो, कौन सा आयनिक बल हो, ठीक है। इस प्रकार के बने ठोस को हम आयनिक ठोस कहते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखना कि परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बल कार्य करता है, जबकि आयनों के मध्य आयनिक बल कार्य करते हैं, ठीक। तो हमारा इन हेडिंगों से पता चल रहा है, क्वेश्चन से पता चल रहा है कि क्या है, सहसंयोजक बल कह रहा है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि सहसंयोजक बल होगा इसके अंदर, और सहसंयोजक बल हमारा परमाणुओं के मध्य कार्य करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण तो परमाणु, ये जो कण दिख रहे हैं इस डायग्राम में, ये क्या हो, परमाणु हो, और इनके मध्य यानी कि हम ये कह सकते हैं यहां या यहां लगने वाला बल कौन सा होगा, सहसंयोजक बल हो, सहसंयोजक बल हो। तो इस प्रकार के ठोस को कहते हैं सहसंयोजक ठोस। आयनिक ठोस क्या होते हैं कि अभी बताया था हमने, ऐसे ठोस जिसके जिसमें अवयवी कण आयन हो, आयन का मतलब धनायन और ऋणायन, ये रहे हमारे आयन, ये क्या है हमारे आयन है, और इन आयनों के मध्य यानी कि हम ये यहां दिखा दो, एक इन इन आयनों के मध्य लगने वाला बल कौन सा हो आपका, आयनिक बल हो, आयनिक बल, और आयनिक बल हमारा ध्यान रखना सदैव आयनों के मध्य ही पाया जाता है। तो इस प्रकार के ठोस हम कहेंगे क्या, आयनिक ठोस, ठीक। और हमने धारित जो बताया था आपको आणविक ठोस, आणविक ठोस, आणविक ठोस किसे कहते हैं, देखिए लेकिन नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण अणु हो, ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण क्या हो, हमारे अवयवी कण हमारे अणु हो, क्या हो, अणु हो, ठीक। लेकिन हम ये कहते हैं अणु हमारे तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार होते हैं अणु हमारे, तीन। तो हम ये कह सकते हैं अणुओं के आधार पर आणविक ठोस के हमारे तीन प्रकार होंगे, यानी अवयवी कण क्या हो उसमें अणु, लेकिन हम कह रहे हैं अणु कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। तो हम ये कह सकते हैं उन अणुओं के आधार पर आणविक ठोस हमारे तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, नंबर एक होता है हमारा अध्रुवीय आणविक ठोस, सेकंड होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, और थर्ड होता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, ठीक। तो ध्रुवीय आणविक ठोस कौन से होते हैं, तो हम इस पर अब चर्चा करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपका अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं, देखिए ऐसे ठोस जिसमें अवयवी अणु अध्रुवीय अणु होते हैं, अध्रुवीय अणु होते हैं, अध्रुवीय अणु क्या होते हैं, इधर देखते हैं, अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु होते हैं हमारे समान परमाणु वाले, जैसे हमने कहा H2 Cl2 O2 ETC, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यानी कि ऐसे अणु जिनके परमाणुओं के मध्य अध्रुवीय बल कार्य करता है, ऐसे अणुओं को अध्रुवीय अणु कहते हैं, ठीक। यानी ऐसे अणु जिनके परमाणुओं के मध्य, देखिए ये अणु जो है आपका H2 जो अणु है, आप
दोनों हाइड्रोजन जिस बल के द्वारा जुड़ेंगे, यदि वो इनके बीच लगने वाला बल कौन सा बल हमारा अध्रुवीय बल हो, तो इस प्रकार के बने अणु को कहते हैं अध्रुवीय अणु। तो हमने वही तो कह रहे हैं अध्रुवीय आण्विक ठोस किसे कहते हैं, कि ऐसा ठोस या ऐसा आण्विक ठोस जिसमें अवयवी कण, जिसमें अवयवी अणु अणु कहेंगे, जिसमें अवयवी अणु अध्रुवीय अणु होते हैं, कौन से अध्रुवीय अणु होते हैं, ठीक। जबकि इन अणुओं के मध्य, जैसे मैंने एक आपको डायग्राम, यहां डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं, हमने आपको कोई एक आण्विक ठोस बनाया, कौन सा वो भी अध्रुवीय आण्विक ठोस, इस चित्र से आपको समझाते हैं। ये देखिएगा, हमने ठोस की बात कर रहे हैं जिसमें अवयवी कण आपस में जुड़े होते हैं, तो हमने कहा था भी कि ऐसा ठोस जिसमें अवयवी अणु, ये आपके क्या है अणु है, अवयवी अणु अध्रुवीय अणु होते हैं, कौन से अध्रुवीय, जैसे H2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, O2 हो सकता है, जितने भी अध्रुवीय अणु होते हैं उनमें से कोई हो सकता है, ठीक। और इन अध्रुवीय अणुओं के मध्य यानी यहां पर या यहां पर या यहां या यहां, ठीक, यहां पर इन अणुओं के मध्य लगने वाला बल वांडर वाल्स बल हो, कौन सा वांडर वाल्स बल हो, ठीक। तो इस प्रकार के बने ठोस को अध्रुवीय आण्विक ठोस कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे अध्रुवीय अणु, चलिए लिख लेते हैं अध्रुवीय अणु, और इन अणुओं के मध्य लगने वाला बल कौन सा होता है, अभी आपको वांडर वाल्स बल हो, वांडर वाल्स बल हो। तो इस प्रकार के बने ठोस को अध्रुवीय आण्विक ठोस कहते हैं, ठीक। सेकंड हमने बताया था आपको भी ध्रुवीय आण्विक ठोस, ध्रुवीय आण्विक ठोस किसे कहते हैं, कि ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण या अवयवी अणु ध्रुवीय अणु होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं, जबकि इन ध्रुवीय अणुओं के मध्य लगने वाला बल द्विध्रुव बल हो, कौन सा द्विध्रुव बल हो। तो इस प्रकार के बने ठोस को ध्रुवीय आण्विक ठोस कहते हैं, ठीक। अभी हमने बात की थी कि जिसमें अवयवी अणु ध्रुवीय अणु होते हैं, ध्रुवीय अणु कौन से होते हैं, ध्रुवीय अणु का होता है बेटा कि जब दो परमाणु आपस में संयोग करते हैं या आपस में मिलते हैं, तो जिस बल के द्वारा मिलते हैं यदि वो बल हमारा ध्रुवीय बल हो, तो इस प्रकार के अणुओं को हम ध्रुवीय अणु कहते हैं। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में मिलाया, ठीक है, तो ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे HCl, दोनों आपस में मिल गए, तो ये जब ये आपस में दोनों परमाणु मिलेंगे तो किस बल के द्वारा जुड़ेंगे, ये आपके ध्रुवीय बल के द्वारा जुड़ेंगे, ठीक है। कौन से बल के द्वारा जुड़ रहे हैं हमारे ध्रुवीय बल के द्वारा, इसलिए इसको हम कहेंगे ध्रुवीय अणु, ठीक। तो हमने डेफिनेशन बताई थी ध्रुवीय अणु ठोस की, ऐसे ठोस जिसमें अवयवी अणु ध्रुवीय अणु होते हैं, जबकि इन अणुओं के मध्य लगने वाला बल द्विध्रुव बल हो, इस प्रकार के बने ठोस को ध्रुवीय आण्विक ठोस कहते हैं, ठीक। अच्छा, अभी तीसरा था हाइड्रोजन आवंधित आण्विक ठोस,
हाइड्रोजन आवर्धित आणविक ठोस क्या होते हैं कि ऐसा ठोस जिसमें अवयवी अणु हाइड्रोजन आबंधित अणु होते हैं। कौन से? हाइड्रोजन आबंधित अणु होते हैं, जबकि इन अणुओं के मध्य लगने वाला बल द्विध्रुव द्विध्रुव बल हो, द्विध्रुव द्विध्रुव बल हो, तो इस प्रकार के बने ठोस को हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। देखिए एक चीज आपको ऊपर ये समझाते हैं, हमने बताया था शब्द कि जिसमें अवयवी अणु हाइड्रोजन आबंधित अणु हो। हाइड्रोजन आबंधित अणु क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो ये, हाइड्रोजन आबंधित अणु का मतलब होता है कि जहां हाइड्रोजन का संयोग या तो फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, यदि हाइड्रोजन इन तीन परमाणुओं में से किसी से संयोग करता है तो वहां हाइड्रोजन और इन परमाणुओं के बीच जो लगने वाला बल होता है उस बल को कहते हैं हाइड्रोजन आबंधित बल कहते हैं। जब इन दो परमाणु, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन का मैं संयोग करा रहा हूं, जब ये संयोग करेंगे तो आपस में जुड़ेंगे तो किसी ना किसी बल के द्वारा जुड़ेंगे, और जब हाइड्रोजन फ्लोरीन से संयोग करता है तो उस कंडीशन में हमारा हाइड्रोजन आबंधित बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? हाइड्रोजन आबंधित बल कार्य करता है, और इसीलिए हम HF को हाइड्रोजन आबंधित अणु कहते हैं। या दूसरा एग्जाम्पल था, निकालता है हाइड्रोजन का संयोग किससे करा है? ऑक्सीजन से। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो क्या बनेगा सर आपका? H2O। H2O भी आपका आणविक हाइड्रोजन आबंधित अणु कहलाता है। ठीक, तुमने बताया था अभी हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, इन तीनों में से किसी परमाणु से संयोग करके यदि अणु का निर्माण करता है तो ऐसे अणुओं को हाइड्रोजन आबंधित अणु कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी एक और रैगस में हमने कहा कि हाइड्रोजन किससे संयोग करता है? आपका नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन संयोग करेगा तो क्या बनेगा आपका? NH3 अमोनिया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं हाइड्रोजन आबंधित अणु जो होते हैं हमारे तीन होते हैं, एक तो HF, एक H2O और एक NH3। यदि इन तीनों में से कोई सा आपका अणु होता है तो इन अणुओं से आपका ठोस बन रहा है तो उस प्रकार के ठोस को कहेंगे हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। और हम बताया था ऐसे अणुओं के मध्य लगने वाला बल द्विध्रुव द्विध्रुव बल हो तो इस प्रकार के बने ठोस को हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। ठीक, चल हमने बताया था आपको कि क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं, तीन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, लास्ट चौथा जो रहा है वो है आपका धात्विक ठोस। देखिए धात्विक ठोस किसे कहते हैं? ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण या अवयवी पदार्थ धातु है, ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण धातु हो उस ठोस को हम धात्विक ठोस कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि धातु, क्या धातु आपस में मिलकर ठोस बना सकते हैं? नहीं बना सकते। देखिए बनाते नहीं है, कैसे बनाते हैं ये समझाना है कि धातु किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धातु की। धातु की पहचान होती है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे हमने कहा सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक,
अभी हमने यहां पढ़ाया था सेकंड आयनिक ध्रुव क्या बताया था, क्या आयनिक ध्रुव ने बताया था कि विपरीत आवेश ही आपस में मिलते हैं, समान आवेश आपस में कभी नहीं मिलते हैं। तो समान आवेश वाले अणु जो होते हैं वो आप एक दूसरे से दूर भागते हैं। और हम कह रहे हैं धातु पर कैसा आवेश होता है, प्लस आवेश। जब हम कोई धातुविक ठोस बनाएंगे तो ये बताओ ठोस कैसे बनाएंगे आपका। हमने जैसे एक धातु ये ले लिया, दूसरा ये रहा, तीसरा आपका ये रहा, ये चौथा कण हो गया, ये पांचवा, ये आपका छठा। और धातु की पहचान हमने बताई थी कि ऐसे पदार्थ जिन पर धन आयन उपस्थित होता है, जैसे इस पर धन आयन हो गया, इस पर भी धन आयन, इस पर भी धन आयन, इस पर भी, ये धन आयन वाले कण। ठीक, लेकिन फिजिक्स की भाषा में देखें जब समान आवेश वाले कण होते हैं तो वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, जबकि विपरीत आवेश वाले कण होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं। ये तो हमारे समान आवेश वाले कण हैं, अब ये बताओ कैसे आपस में जुड़ेंगे। ठीक, तो धातु की दूसरी पहचान हमें ये बताई थी कि धातु सदैव इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। धातु की एक तो पहचान होती है, धातु की दूसरी पहचान ये होती है कि धातु सदैव इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। ठीक, और इलेक्ट्रॉन का कैसा आवेश होता है, माइनस। जब ये धातु है तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इलेक्ट्रॉन जितने अपने चारों तरफ किसी किधर से त्याग सकता है, जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे मुक्त के इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन से होते हैं, मुक्त के इलेक्ट्रॉन। तो जो मुक्त के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धातु किधर भी त्याग सकता है, वो इधर भी त्याग सकता है या इधर भी त्याग सकता है, या ये वाला इधर भी त्याग सकता है, इधर भी त्याग सकता है, ऐसे ये कर इधर भी त्याग सकता है। ये देखिए हमने ये मुक्त वाले इलेक्ट्रॉन आपको इसमें दिखा दिया, ये क्या है, बीच में धातुओं द्वारा त्यागे गए मुक्त के इलेक्ट्रॉन। हमने कहा इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, माइनस आवेश होता है। ठीक, तो ये जो माइनस आवेश है मुक्त के इलेक्ट्रॉन जो है मिले, यही इन धन आयनों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और आकर्षित करने के बाद ये इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, बांधे रखते हैं, और बांधे रखने के मतलब इनको दोनों को आपस में जोड़े रखते हैं, और इस प्रकार से ये क्या करते हैं, ठोस का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार के बने ठोस को हम कहते हैं धात्विक ठोस। तो डेफिनेशन क्या होगी इसके द्वारा से, कि ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण तो धातु धनायन हो, धातु धनायन हो, जबकि इनके मध्य लगने वाला बल मुक्त के इलेक्ट्रॉन हो, मुक्त के इलेक्ट्रॉन हो। तो इस प्रकार के बने ठोस को धात्विक ठोस कहते हैं। ठीक, धन्यवाद आज की वीडियो में।